अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एमएस वर्ड क्या हमारी 8वीं क्लास है। आज की क्लास में भी हम टेबल को सीखेंगे। इससे पहले के दो क्लासेस में भी हमने टेबल के काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग को सीख लिए। आज कुछ और इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग रहते हैं उसको सीखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहे जी, सेल मार्जिन के बाद सॉर्ट का। सॉर्ट मतलब है अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ए बी सी के अंदर हमने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ जी अपने सॉर्ट के अंदर। सॉर्ट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग किया, मैं इसको डिसेंडिंग करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखो ये डिसेंडिंग हो गए। यहाँ पर जी से नीचे की तरफ आ गए, जी एफ ई डी सी बी ए, मतलब ये डिसेंडिंग हो। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो तो ऑटो में आपका जो सीरियल नंबर है वहीं के वहीं रह गए। अगर इस नंबर्स को अगर आपने यहाँ से नंबर्स में जाके नहीं लिखता, आप खुद से लिखते हैं, तो ये नंबर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऑटो में किया हो, अगर यहाँ से आपने होम में जाके यहाँ पर नंबर से किया हो, तो ये खुद बहुत ऐसी ही रहेगा। आपको सीरियल नंबर ऊपर नीचे नहीं होगा, आपको नंबर ऐसे ही लगे रहेंगे। सिर्फ आपने जो नाम को आपने अल्फ़ाबेटिकली आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग है, तो ये ऊपर नीचे होगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास इसी तरह से यहाँ पर जी का नंबर आ रहा है, फिर यहाँ पर एफ़ का नंबर आ रहा है। इस तरह से आप अपने नंबर के हिसाब से करना चाहते हैं या आप अपने नाम के हिसाब से करना चाहते आप कर सकते हैं। इसको आप दोबारा सेलेक्ट करें, अगर आप इसको असेंडिंग करना चाहते हो आप लेआउट के अंदर आके यहाँ पर सॉर्ट के ऊपर क्लिक करें। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद इसको असेंडिंग के ऊपर क्लिक करके आप दोबारा ओके करेंगे तो आपको ये असेंडिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना डेटा को असेंडिंग करना चाहते आप असेंडिंग कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, करने के बाद यहाँ से इसको सबको बीच में कर देता हूँ, तो आप वहाँ सब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था अगर आप नेम जब भी लिख रहे हो तो आप अपने नेम को हमेशा यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड में इससे लिखेंगे, क्योंकि आपका नाम डेटा आपको बड़ा होता है, इसलिए आप यहाँ से लेफ़्ट से लिखेंगे तो आपका नाम प्रॉपर आपके सेल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सॉर्ट के बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब अगर आप ये जो टेबल है इसको बनाने के बाद इसको टेक्स्ट के अंदर चेंज करना चाहते हैं, आप टेबल को ख़त्म करना चाहते हो, आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर दोबारा पूरा टेबल को यहाँ पे आप क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आप आके कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, पैराग्राफ मार्क्स आ रहे हैं, टेप्स का आ रहा है, कोमा का आ रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। मैं अगर कोमा के ऊपर क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे ओके करता हूँ, तो आप देख लोगे मेरा टेबल चेंज होगा। यहाँ पे कोमा लग के मेरा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब ए का ये नंबर है, ये बी का, ये सी का, लेकिन हमारे टेबल ख़त्म हो गए। मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ और दोबारा यहाँ पर हम जाते हैं लेआउट के अंदर। जाने के बाद यहाँ पर दोबारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर जाके अगर हम दोबारा टेप के ऊपर क्लिक करते और ओके करके देखते तो यहाँ पर आप देख लोगे हमारे पास टेप भी, मतलब यहाँ पर स्पेस तो है लेकिन हमारा टेबल का जो बॉर्डर वगैरह सब कुछ ख़त्म होता है। इस तरह से इसको टेक्स्ट के अंदर चेंज करना चाहिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड से दोबारा वापस जाता हूँ। इसी तरह से लेआउट के अंदर हम दोबारा जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट के बाद एक यहाँ पे फार्मूला है। फार्मूला से पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमारे पास रिपीट हेडर इन रोस है। अच्छा, ये रिपीट हेडर इन रो क्या करते हैं, रिपीट हेडर इन रो, यहाँ पर मैं पहले टोटल लिख लेता हूँ हेडिंग को, या अगर अपने रो को, अगर ये आपने जितने भी आपने यहाँ पे हेडिंग्स डाले इनको अगर आप रिपीट करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद आप यहाँ रिपीट हेडर रोज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अभी यहाँ पर आप देख रहे हो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आकर आखिरी टैब में क्लिक करता हूँ और आप जैसे टैब दबाएंगे तो जाहिर सी बात आपके पास नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर रोज खुलते रहेंगे। अभी मैं यहाँ से इसको दबा के रखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा एक पहला पेज है, पहले पेज के ऊपर देखो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 20 बच्चों के नाम आया। अब जैसे मैं नेक्स्ट पेज पर आऊँगा और नेक्स्ट पेज के ऊपर हम यहाँ पे टॉप पे देखते हैं यहाँ पे हेडर लगाए नहीं लगाए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2021 से हमारे पास ये हेडर और हमारे पास जो हेडिंग है स्टूडेंट डेटा और सीरियल नंबर नेम ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और जैसे ही आपको ये पेज भी पूरा होगा तो तीसरे पेज पे भी ऐसे ही ये रिपीट होते जाएगा। जैसे ही देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मेरा ये पूरा होगा पेज के ऊपर, तो देखो आप तीसरा पेज पर मैं आ गया हूँ, तीसरा पेज के ऊपर भी ये खुद बहुत यहाँ पर रिपीट हो गए और 39 यहाँ पर सीरियल नंबर लग गया। तो अगर आपने कोई भी हेडिंग लगाते या आपने एक रो के अंदर मुख्तलिफ हेडिंग डाल दी, ये इसके अलावा अभी तो एक स्टूडेंट नेम है, इसके अलावा आपको कोई और हेडिंग भी हो सकती है जो कि अगर टेबल के अंदर आपने लगाया है और आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर टॉप में ये हेडिंग लगा रहे, तो आप इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से रिपीट हेडर है रोज के ऊपर क्लिक करें तो वो रिपीट होता रहेगा। ये इसलिए लगाना होता है क्योंकि अभी यहाँ पर पेज नंबर 3 पे है, मुझे यहाँ पर अगर यहाँ पर तीसरे के अंदर कोई नंबर इनपुट करना है या इसके अंदर कोई नंबर लगाना हो, लिखना हो, इंटर करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट कहना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर कौन सा लिखना है। तो कभी कभार हमें अगर आप यहाँ पर रिपीट नहीं करें तो वहीं पहले पेज में देखना पड़ेगा कि दूसरा नंबर पर कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर आप इसको रिपीट करके रखें
रखेंगे तो हर पेज पे आपको ऊपर टॉप में नजर आएगा, तो आपको इजीली आप यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखे, इजीली आप वहाँ पे नंबर इनपुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको आसानी होंगी। तो इस तरह से अगर आप रिपीट करना चाहिए यहाँ से रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखो हर पेज के ऊपर देखना चाहते हो उसके हर पेज पर आप अपने हेडर को रिपीट कर सकते हैं। डेटा ग्रुप के अंदर हमारे पास आखिरी एक ऑप्शन है फार्मूला का। फार्मूला में क्या करते हैं कि अगर आप इतने जितने नंबर यहाँ पर लिखा आप इसको ऐड करना चाहिए यहाँ पे इसको सबको ऐड कर सकते हैं। वैसे तो फार्मूला ज़्यादा हमारे पास एक्सेल के अंदर ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर आपने सम निकालना हो, अगर आपने परसेंटेज निकालना हो, ग्रेड निकालो, सारे काम हमारे एक्सेल पर होते हैं। लेकिन कुछ फार्मूला आप यहाँ पर भी इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि इस डेटा के अंदर इसको आपको यहाँ पर प्लस करें तो आप यहाँ पर फार्मूला के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है जी सम। यहाँ पर लिखा हो रहा है सम लेफ्ट, मतलब आपके लेफ्ट के अंदर जितना भी डेटा आप उसको सम करना चाहते हैं हमसे पूछ, हम ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 143 मतलब 143 यहाँ पर इनका टोटल नंबर है। इस तरह से अगर आप सम करना चाहें आप सम कर सकते हैं इजीली। मैं यहाँ पर दूसरे के ऊपर आता हूँ, दूसरे के ऊपर हम दूसरा फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखो अब यहाँ पर मेरे पास एक और चीज लिखा हो रहा है इजिकल टू सम अबव, मतलब वो ऊपर वालों को सम करना चाहिए। अगर ऊपर तो हमारे पास एक ही नंबर है, अभी ऊपर को करना तो बनता नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप इनको सारे नंबर यहाँ पर लिख लो और इन सब बच्चों का टोटल नंबर अगर नीचे सम करना है आप ऊपर अबव करके नीचे सबको सम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने ऊपर नहीं करने, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट में करने तो आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर आके लेफ्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर करता हूँ और LEFT लेफ्ट लिखने के बाद यहाँ पर आके इंटर जैसे मैं ओके करता हूँ तो अभी देखो इसने लेफ्ट वाले को भी यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस करके यहाँ पे आ गया। इस तरह मुझे तीसरे को करने तो मैं दोबारा आऊँगा, तीसरे पे दोबारा जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा फिर अबव आ रही है। ऊपर दो वालों को अगर वो मुझसे डायरेक्ट ऑटो में हमेशा ये ए सी आते हैं सम अबव, तो बार बार मुझे यहाँ पर लेफ्ट 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 लिखना पड़ेगा। तो उसका बचने के लिए आप यहाँ पर एक तरीका इस्तेमाल यूज़ कर सकते, फार्मूला है अपना, तो आप इसको ये कर सकते सब आखिर में जो आपका यहाँ पर जो हमारे पास सेल है आप उसके ऊपर क्लिक करें और फार्मूला पे जाएं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट लिखा हुआ है, आपने ओके किया, ऊपर वाले पे क्लिक किया, आप दोबारा फार्मूला पे क्लिक करें तो देखो ये फिर लेफ्ट ही आएगा, क्योंकि ऊपर तो कोई डेटा नहीं तो वो ऊपर का आपसे पूछेगा नहीं और नीचे का इसके अंदर मतलब ब्लॉग लिखा हुआ आएगा नहीं। तो आप लेफ्ट 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 करके आप अपने डेटा को जल्दी जल्दी यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी आप प्लस करना चाहिए आप यहाँ से प्लस कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करते जाए और ओके करते जाए तो आपका डेटा यहाँ पे सम होता रहेगा। तो ये इसीलिए अगर आप यहाँ पे कोई मतलब आपको स्टूडेंट का डेटा वगैरह उनका आप उनके सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे टोटल करके दिखाना चाहिए आप इजीली इसको टोटल कर सकते हैं। अभी हमारे पास सेल का आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये बीच में ये ऊपर टॉप में, तो इसको हमने अभी पहले ही बताया था आपको इसको यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर आके यहाँ से आपको सेंटर करना पड़ेगा, तो ये सेंटर में आके आपको डेटा यहाँ पे बीच में आ जाएगा सेल के। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेटा का अलाइनमेंट और सेल साइज मर्ज एंड रो एंड कॉलम का पूरा ग्रुप हमने पढ़ लिया। अच्छा है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ टेबल, मतलब आप अपने टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे आप ड्रॉ टेबल के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखो एक पेंसिल से बना हुआ आ रहा है। इस पेंसिल की मदद से आप अपना यहाँ पे टेबल बना सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेंसिल की मदद से ये ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे इसकी सिर्फ बॉर्डर बन गई इसकी चारों तरफ का। अगर मैं बीच में से यहाँ पे एक लकीर खींचना चाहता हूँ यहाँ से इसके ये ले सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक मतलब ऊपर से एक कॉलम के बाद एक रो बनाने तो मैं यहाँ से यूं करके एक रो बना सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने हेडिंग डालूंगा यहाँ पे जो भी लिखना है, इसे मैं यहाँ पे जितने कॉलम बनाना चाहे यहाँ पे कॉलम बना सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे तीन लकीर लगाया यहाँ पे भी, एक दो तीन। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरे जो कॉलम जितने भी हमने यहाँ पे बनाए इनके साइज़ एक जैसे नहीं, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम की मदद से इसको एक बनाना चाहिए बना सकते हैं। इसी तरह का मुझे रोस बनाना तो मैं यहाँ पे रोस भी बना सकता हूँ जितना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लकीर खींचूँगा और इजीली आप यहाँ से अपना टेबल बनाना चाहिए बना सकते हैं। यहाँ पे आपको इससे जो पेंसिल जो बना हुआ आपका जो आ रहा है इसको ख़त्म होने, तो आप दोबारा यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें तो आपको देखो ये ख़त्म हो गया। अब अगर आपको इन सारे कॉलम को बराबर करने तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे। पहले तो आपको इन एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो ये सारे बराबर हो गए। फिर इन एरिया को सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो ये कॉलम हो गया। रो को भी बराबर करना है, रोज़ के ऊपर क्लिक करें तो आपके रोज़ भी अब सब सिलेक्ट हो गए और देखो आप प्रॉपर आपको नज़र आ रहे होंगे सब एक जैसे हो गए। तो अगर इस तरह से अगर आप ड्रॉ करके बनाना चाहें आप इजीली यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर रेजर भी दिया, रेजर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करके अगर आप इस पर क्लिक करें तो एक रबर सा बना हुआ है, इसकी मदद से आप जो एरर डिलीट करना चाहें आप यहाँ पर क्लिक करते जाएँ और यहाँ से ईजिली आप इसको डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। तो रेजर के ऊपर मदद से आप यहाँ पर जो भी एरिया जो भी सेल आपको समझ में नहीं आता आप डिलीट करना चाहिए इसको इजीली यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। मर्ज करना है तो आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों को आपने एक करना है यहाँ पे क्लिक करें और ये
आपका मर्ज हो गया। अगर आपको पूरा टेबल उड़ाना है तो आप इजीली यहाँ पर बाहर आके क्लिक करें और इस तरह से आप राइट अपना लेफ्ट बटन दबा के माउस से इस तरह से सॉरी लेफ्ट वाला बटन दबा के आप इस तरह से इसको डार्क करके इसको खींच लें। करने के बाद इसको आप यहाँ से छोड़ेंगे तो ये देखो और डिलीट हो गए। तो इस तरह से आप डिलीट करना चाहें आप डिलीट कर सकते हैं। हम दोबारा यहाँ पर आते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर हमारे पास अगला हमारे पास आ रहा है जी टेबल का एक ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास सिलेक्शन है। सिलेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे ऊपर मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको ऊपर। करने के बाद मैं यहाँ पे पहले सेल के अंदर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँ। सिलेक्ट सेल, मुझे पूरा एक सेल इस सेल को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट सेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसने सिलेक्ट कर लिया। तो इजीली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मुझे किसी भी सेल को अगर मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने माउस से तो यहाँ से भी आप यहाँ पे क्लिक करके इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे नीचे वाले आके सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोबारा यहाँ पे जाता हूँ सिलेक्ट के ऊपर, सिलेक्ट कॉलम, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ इसने देखो पूरा कॉलम को यहाँ पे मेरा ये इस पूरा कॉलम को इसने सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ, यहाँ क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम करूँगा तो इसने पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह से कर मैं यहाँ पे इसको जाता हूँ किसी भी और यहाँ पे नंबर वन पे आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके तीसरा हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट रो। रोज के ऊपर आप जैसे ही कहते हो उसने नंबर वन के रो को हमारे पास क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से अगर और ऑप्शन देखते तो ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगला हमारे पास सिलेक्ट टेबल, आप टेबल के ऊपर कहते हो पूरा टेबल ये सिलेक्ट करेगा। आप उसको इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते, कलर करना चाहते, डिलीट करना चाहते, तो मुख्तलिफ काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन क्या है, जैसे कि अगर ये आपको एक टेबल बनाओ, इस टेबल का अगर आप इसकी बॉर्डर को ख़त्म करते और इसकी ग्रिड लाइन को देखना चाहते हैं, इसलिए आपको डिज़ाइन टैब के अंदर जाना पड़ेगा। डिज़ाइन टैब के अंदर आप आने के बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे बॉर्डर का। बॉर्डर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे नो बॉर्डर लिखा हुआ। मैं जैसे नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास टेबल तो बना हुआ लेकिन आपका ये बॉर्डर नज़र नहीं आ रहे। आप टेबल पर क्लिक करें, करने के बाद आप यहाँ पर लेआउट के अंदर आए और आप यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको इसके ग्रिड लाइंस नज़र आएंगे। देखो ये जो ग्रिड लाइन आपने जो लगाई ये प्रिंट में नहीं आता। अगर आप चाहते बॉर्डर नहीं लगे, सिर्फ आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते लेकिन आप अपनी आसानी के लिए अगर ग्रिड लाइन अगर आपको डेटा वगैरह लिखना हो थोड़ा आपको मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन करके आप इसको देख सकते हैं और अपने डेटा को अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल पी करके इसकी प्रीव्यू देखते हो तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर इसकी बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह से इसकी बॉर्डर को हटा के यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन्स के ऊपर क्लिक करके अपने डेटा को काम इसके अंदर जितना भी काम करने करें और करने के बाद आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसी तरह से आएगा। इस तरह से हमारे पास लेआउट के ग्रुप पूरा हमने पढ़ लिया।